हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर चैनल। तो आज ना हम बड़े कलरफुल से सूजी के मोदक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे घी में। तो उसके लिए हमने ना 60 ml लिया है घी और इसमें हम डालेंगे 2 कप सूजी, क्योंकि ना हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मोदक बनाने वाले हैं, इसलिए हम ज़्यादा सामान ले रहे हैं। अगर आपको कम बनाने हैं तो आप 1 कप यूज़ कर सकते हो और उसी हिसाब से सबकी क्वान्टिटी कम करते रहना। और गैस को ना हम लो फ्लेम पे रखेंगे। तो सूजी को ना हम भून लेंगे, पर ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें बस इसका कच्चापन दूर करना है ऐसे। अब सूजी तो हमारी अच्छे से भुन गई है, अब इसको हम रख देंगे साइड में और कढ़ाई में डालेंगे दूध। तो हमने ना 5 कप दूध के डाले हैं। अब अपने हिसाब से जितनी आप क्वान्टिटी सूजी की ले रहे हो आप उस हिसाब से दूध कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें हमने डाला है, पहले 1 कप डाला हमने चीनी का, तो हमें लगा थोड़ी सी कम है शायद, तो हमने थोड़ी सी चीनी और डाल दी इसमें। तो अब चीनी को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ। और हमने ना थोड़ा फ्लेवर के लिए सोचा थोड़ी इलायची भी डाल देते हैं इसमें। अब ना हमें वेट करना है, जब थोड़ा सा दूध में उबाला आने लग जाएगा ना, तब हम इसमें जो हमने भून के रखी हुई थी ना सूजी, वो ऐड करेंगे इसमें। अब बस इसको ना हिलाते रहना है, हिलाते ही रहना है और कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे हिलाते रहना है स्पैचुला के साथ। इसको ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आराम से। इसको बस हिलाते जाओ, ये ना तब तक ऐसे हिलाते रहना है इसको, जब तक ना सूजी बिल्कुल ऐसे सेंटर में इकट्ठी नहीं होने लग जाती ना, तब तक ना इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे ना, इसमें डालना है थोड़ा सा और घी। मैंने 60 ml के करीब और घी डाल दिया इसमें। अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो मिक्स है जो बनके तैयार हो चुका है पूरा, बिल्कुल थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको ना ऐसे उसकी ना ऐसे गोली बना के देखेंगे। अगर हमारी गोली अच्छे से ऐसे बन रही है तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बनके तैयार हो चुका है, अब हम इससे अच्छे से मोदक बना सकते हैं। अब मोदक को हमें कलरफुल बनाना है, तो इसलिए हम क्या करें, हम 2 कलर की टूटी फ्रूटी यूज़ करें। आप कितने भी कलर की यूज़ कर सकते हो, मैंने 1 कप डाला है इसमें। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब बस हमें मोदक बनाने के लिए जो मोल्ड होता है वो लेना है, और इसके अंदर वाली साइड ना हम घी लगाएंगे और बस इसके अंदर जो हमारा बैटर है उसको भरते जाएंगे और बिल्कुल सेंटर में ना थोड़ी सी जगह बना ली ताकि हम उसके अंदर किशमिश डाल सकें। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो बस किशमिश डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा और बैटर लगा ताकि वो बंद हो जाए अच्छे से। लीजिए कितनी आसानी से मोदक बन के तैयार हो चुका है। बस ऐसे ही करके हम सारे मोदक बना लेंगे। हमने ना काफ़ी सारा मटेरियल बना लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा ही बन गए थे हमारे मोदक भी। मैंने थोड़े से ही बना के दिखा रहा हूँ, सारे तो बना के दिखा नहीं पाऊँगा ना वीडियो में। सेम प्रोसेस ही है, मोल्ड के अंदर जो हमारा बैटर है इसको भरना है, उसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना के किशमिश डाल दो, चाहे आप इसमें कुछ और पिस्ता डालना चाहते हो या नारियल का बुरादा डालना चाहते हो, कुछ भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मोदक तो हमने बना लिया, वरना इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे और सिल्वर फॉइल से। तो लीजिए हमारे सूजी वाले कलरफुल मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखने में ना बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग लग रहे थे और खाने में तो ये ना सही में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। मतलब मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, ये सही में अच्छे बने थे। और इसमें मीठा था ना जो बिल्कुल एक डिसेंट अमाउंट में था, ना बहुत ज़्यादा मीठे थे ना बहुत कम मीठे थे। तो अगर आप सारे स्टेप ऐसे ही फॉलो करोगे ना, तो सही में आपके मोदक भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। तो आप भी ना ये मोदक ज़रूर बना के देखना और कमेंट करके बताना जब आपने बना के देखे तो आपके वाले कैसे बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।